खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील में शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक केदार डावर ने नन्हेश्वर धाम स्थित खरगोन मार्ग पर और सिरवेल महादेव में विधायक निधि से स्वागत द्वार का विधि पूर्वक भूमि पूजन किया गया। स्वागत द्वार की लागत करीब 3 लाख रुपए है। इसे लघु उद्योग निगम द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद विधायक डावर ने पिछले दिनों सिरवेल अम्बा उमरिया कुम्हारखेड़ी क्षेत्र में आई तेज हवा आंधी और बारिश से किसानों की मक्का सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई थी। उन किसानों से स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने किसानों को फसल की बर्बादी पर प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत जायसवाल, गंगाराम सोलंकी, सिरवेल सरपंच विकास सेनानी, एडवोकेट रमेश मंडलोई, माल सिंह आवासे, दीपक मालविया, संजय मालविया, जयपाल मंडलोई उपस्थित थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कल मेरा क्षेत्र भ्रमण था और कल नन्हेश्वर में महादेव जो प्राचीन मार्कंड ऋषि की तपोभूमि है वहाँ पे हजारों लोग आते हैं दर्शन के लिए, किंतु उनको रोड से अंदर महादेव जी हैं तो वहाँ बहुत सारे लोगों को पूछना पड़ता किधर है क्या है, तो जनता की मांग थी और पर्यटन को बढ़ावा देने की भी एक हमारे क्षेत्र में जो प्राचीन स्थान है उसको शामिल करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए विधायक निधि से हमने वहाँ स्वागत द्वार और उसका भूमि पूजन किया जो लघु उद्योग निगम बनाएगा। और सिरवेल में भी जो सिरवेल महादेव मंदिर, आप हमारे ज़िले के ही हैं तो आपको मालूम है कि बहुत हजारों लोग जाते आते हैं और प्राचीन स्थान है, गुफा में मंदिर है, वो भी एक गांव से हट के अंदर है, तो एक वहाँ महादेव जी के नाम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वागत द्वार का भूमि पूजन किया है जिससे लोगों को मंदिर पहुँचने में भी आसानी हो और एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी उसका एक प्रचार हो, इस दृष्टि से हमने वहाँ पे स्वागत द्वार का भूमि पूजन किया। साथ ही क्षेत्र में अभी उस क्षेत्र में पानी अधिक गिरा और हवा आंधी चलने के कारण विभिन्न गांवों में सिरवेल, नांदिया, गोंटिया, कुमार बेड़ी, कला सांबा और अपने सात पार्टी, इन गांवों में अनेक किसानों की मक्का की फसल पूरी तरह से हवा में आड़ी पड़ गई है और उनका नुकसान हुआ, भुट्टा फूटेगा नहीं उसका, तो उसका भी किसानों से जायजा लिया और उसकी एक पत्र लिख के तहसीलदार और डीओपो को तुरंत आकलन करके उसके मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया करने का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।